हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। मैं हूं शहाना और आज हम कर रहे हैं सिमिलैरिटी का पार्ट 3 क्लास 10। ये सिमिलैरिटी चैप्टर का लास्ट पार्ट है और आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स की जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स पिछले दो वीडियोज़ में पढ़ी थी उसकी हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। सो एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स। अब मैप्स और मॉडल्स बनाने में हमें सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज कैसे काम आती है वो देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक मैप का। ये राजस्थान का मैप है, इसके अंदर राजस्थान की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ प्लॉट की हुई है। अब कभी भी कोई भी मैप देखेंगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर कंट्री का, तो उस पर एक स्केल फैक्टर दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर है 1:20,000। अब ये स्केल फैक्टर क्या है और ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी दो सिटीज़ लेते हैं, जोधपुर और जैसलमेर। इन दोनों सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कुछ 2 सेंटीमीटर प्लॉट किया हुआ है, पर एक्चुअल डिस्टेंस जोधपुर और जैसलमेर का 2 सेंटीमीटर्स होता है क्या? नहीं। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ये स्केल फैक्टर। अब ये क्या होता है? एक्चुअल में स्केल फैक्टर होता है, स्केल फैक्टर का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर ऑन दिस मैप इज रिप्रेजेंटिंग 20,000 सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। तो कोई भी एक 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस मैप पे जो प्लॉट किया गया है वो एक्चुअल में 20,000 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हर मैप पे ये एक स्केल फैक्टर दे रखा होता है जिससे आप एक्चुअल डिस्टेंस पता कर सकते हैं। सेम वे मॉडल्स में भी हमें एक पर्टिकुलर रेशियो दे रखा होता है, उस रेशियो के हिसाब से कोई भी एक्चुअल बिल्डिंग, जैसे कि एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसका अगर हमको एक मॉडल ड्रॉ करना है तो हम एक उस रेशियो को यूज़ करके हम वो मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये एक एफिल टावर की, ये एफिल टावर है। अब इसकी एक्चुअल लेंथ, हाइट और ब्रेथ के अकॉर्डिंग तो हम एक कोई भी मॉडल नहीं बना सकते, हमें एक पर्टिकुलर रेशियो लेकर उसका एक मिनिएचर मॉडल बनाना होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज़ द मॉडल। तो ये मॉडल एक पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो उस हाइट, उस रेशियो के हिसाब से उसकी हाइट, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ चेंज होगी और एक मिनिएचर मॉडल बनेगा। हमने पिछले दो वीडियोस में देखा था जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल थी, उसी हिसाब से अगर हम यहाँ मैप में देखें तो यहाँ डिस्टेंस उस स्केल के हिसाब से प्रोपोर्शनल है। और अगर ये मॉडल को देखें तो एफिल टावर और ये जो इसको मिनिएचर मॉडल है वो प्रोपोर्शनल है, उसकी साइड्स एक रेशियो में है, दैट इज़ एक पर्टिकुलर रेशियो को वो फॉलो करके बनाई गई है। आइए हम देखते हैं कि हम इसको स्केल फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्चुअल डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे। सो द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मार्क्ड ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर, हमने देखा, विच इज डिनोटेड बाय के। द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मॉडल्स। इन द केस ऑफ मॉडल्स, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्चुअल फिगर, हाइट ऑफ द मॉडल अपॉन हाइट ऑफ द एक्चुअल फिगर और द ऑब्जेक्ट, विड्थ ऑफ द मॉडल अपॉन विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट equal to, they are following a particular ratio, a definite ratio. So length of the model upon length of the object is equal to height of the model upon height of the object will be equal to width of the model upon width of the object. अब k square, ये k square कब होगा? अगर हम area की बात करें तो area हमेशा 2-dimensional figures का लिया जाता है, इसीलिए वो हमेशा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स में डिनोट किया जाता है। तो वैसे ही जब एरिया के रेशियो की बात करेंगे तो वो हमेशा के स्क्वायर होगा और के स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर।
अपॉन एरिया ऑफ द एक्चुअल फिगर. सेम वे वॉल्यूम हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स का लेते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड या सिलेंडर. तो क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल फिगर है तो वो के क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब उसके यूनिट्स होते हैं. तो के क्यूब विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग फिगर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर. अनदर प्रॉपर्टी फॉर के इज इफ के इज ग्रेटर देन वन देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एनलार्जमेंट. अब के क्या है? के एक रेशियो है या तो लेंथ का या हाइट का या विड्थ का. तो अगर के के ग्रेटर देन वन कब होगा? जब न्यूमरेटर बड़ा होगा. तो न्यूमरेटर में मॉडल हमेशा मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर लेंथ ऑफ द मॉडल जो एक्चुअल फिगर है उससे लेंथ ऑफ द मॉडल ज़्यादा है या उसकी हाइट ऑफ द मॉडल ज़्यादा है या विड्थ ऑफ द मॉडल ज़्यादा है तो दिस इंप्लाइज दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एनलार्जमेंट. K is less than 1. Similarly, K less than 1 कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा. तो अगर डिनोमिनेटर बड़ा है इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल फिगर से छोटा है. एंड इफ K इज इक्वल्स टू 1 देन ट्रांसफॉर्मेशन इज एन आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि ट्रांसफॉर्म एक्चुअल फिगर और मॉडल दोनों इक्वल साइज के हैं. आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो सके. फर्स्ट है, अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल 1:300. हमको यहाँ पे के फैक्टर दे रखा है 1/300. नाउ फर्स्ट पार्ट व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द लेंथ ऑफ द मॉडल ऑफ द शिप इज 2 meters. मॉडल की लेंथ हमको 2 meters दे रखी है. हमको एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप पता करनी है. तो K इज इक्वल्स टू 1/300 हमको दे रखा है. हमको पता है लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप इज द रेशियो होता है. लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ ये रेशियो के बराबर होता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू के दैट इज द स्केल फैक्टर इनटू एक्चुअल लेंथ सो अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. लेंथ ऑफ द मॉडल हमको क्या दे रखा है 2 meters. के फैक्टर हमको पता है 1/300 और एक्चुअल लेंथ हमको पता करनी है. सो एक्चुअल लेंथ क्या होगी? 300 विल बी शिफ्टेड ऑन दैट साइड. सो 2 × 300 एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू 600 meters. इट इज ईजी. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 meters square. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल. अब एरिया हमने पढ़ा था, एरिया का रेशियो के स्क्वायर से डिनोट करते हैं हम लोग. अब यहाँ पे आपको एक्चुअल एरिया दे रखा है, हमको मॉडल का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया. सो एरिया ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू के स्क्वायर. के स्क्वायर क्या होगा? 1/300 होल स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया इज 1,80,000 meters square. सो दिस विल बी, वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो सॉल्विंग विल बी इजियर. वी कैन राइट इट लाइक दिस.
सो थ्री वन ज़ा सिक्स ज़ा थ्री वन ज़ा टू ज़ा सो दिस इम्प्लाइज द एरिया ऑफ द मॉडल इज 2 meter square. Please always be careful for these units. Units are very important. So please be careful about the units. 2 meter square will be the area of the model. Now, volume. Volume we know. The ratio will be k cube. Volume of the model is 6.5 meter cube. Calculate the volume of the ship. Now again here we have volume of the model and we need to find the actual volume of the ship. So volume of model is equal to KQ into actual volume So, volume of model given to us is 6.5 meter cube. K cube will be 1 upon 300 whole cube into actual volume. So, our actual volume will be equal to, just cross multiply. So, 6.5 into 300 into 300 into 300. So this will be 17 lakh. Sorry, this is 17 crore 55 lakh meter cube because here it was given as meter cube, 6.5 meter cube. So here it will be meter cube. So this is our answer. Next question is, on a map drawn to a scale of 1:250,000, a triangular plot of land has the following measurements. अब यहाँ पे scale हमको दे रखा है, यानी कि k as 1:250,000. AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter and angle ABC is equals to 90 degrees. What we need to calculate is actual length of AB and BC in kilometers. We have been given that angle ABC is equals to 90 degree. That is, it is a right angle triangle. So, let's draw triangle ABC. It is right angled at angle ABC. Now, AB is 3 centimeter and BC is given to us as 4 centimeter. This is the length of the model. We need to find the actual length of the triangular plot. So our k is equals to 1 upon 250,000, which means that 1 centimeter on this triangle, made on this triangle, is actually representing the measure of 250,000 centimeters on the ground. So, length on the map is equal to k into actual length. So, actual length of AB will be, length on the map is 3 centimeters is equals to 1 upon 250,000 into actual length. AB actual length will be equal to, cross multiply, 3 into 250,000, and remember this is in centimeter. So 25 3s are 75,
सो इट इज 750,000 सेंटीमीटर्स. दिस इज लेंथ, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी स्क्वायर और क्यूब हियर. 750,000 सेंटीमीटर्स, और इफ यू राइट इट इन किलोमीटर्स और कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स, व्हाट विल इट बी? 750,000 डिवाइडेड बाय, सो दिस विल गिव अस 7.5 किलोमीटर्स. हेंस लेंथ ऑफ ए बी इज 7.5 किलोमीटर्स. Similarly, we'll find out the length of BC. BC actual length will be equal to 250,000 into BC is equals to 4 centimeter on the map. So, multiplying this is 10 lakh centimeters, or it will be equal to how much in kilometers? 10 kilometers. So the actual length of BC is 10 kilometers. A triangle ABC is enlarged about the point O as center of enlargement, and the scale factor is 3. Find OA if OA dash is equals to 6 centimeter. ABC is enlarged about the point O as center of enlargement and the scale factor is 3. So here K is equals to 3. K is greater than 1. So here see the figure is an enlargement. The transformation is an enlargement. Let's suppose this is a triangle ABC. Now we have been given that point O is the center of enlargement. Now point O can lie anywhere here. For suppose ki ye O point yahan lie karta hai. This is the point O and this is OA. Now from here this triangle is getting enlarged and the scale factor is 3. So this means the triangle is getting enlarged by 3 times. So let's say this is O here, and from this point the triangle is getting enlarged. So it is getting enlarged by 3 times. So all the sides will increase 3 times. So let's say this is A dash, this is B dash, and this is C dash. Now OA dash is given to us as 6 centimeters. So now we can find OA. Because the scale factor is given to us, we can find the enlargement. Let's see. See, OA dash is equal to K into OA, the actual length. OA dash is given to us as 6 centimeter, which is equal to K is 3 times into OA. So our OA will be equal to 6 divided by 3, which is equals to 2 centimeter. So actual length of OA, the distance between OA, was 2 centimeters. So this was all for today's session. We have completed our chapter similarity. If you have any doubts regarding this chapter, or if you have any problem in solving any question, please do let us know in the comment section below. If you haven't yet subscribed, I request you to please subscribe to our channel for more such videos. And if you have liked this video, please do give it a thumbs up. Thank you, and keep the learning on.